तो हम आज इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं जिनसे हमें पता लगे प्रेजेंस एसिड की या बेस। इंडिकेटर्स कई तरह के आपके 10th क्लास के सिलेबस में, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर्स एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। ठीक, एसिड ले लिया इसमें, ये मेरे पास एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस कंटेनर में मेरे पास ये बेस है ना, ये बेसिक सॉल्यूशन है बड़े वाले बिकर में, और छोटे वाले बिकर में क्या है एसिडिक सॉल्यूशन। हम दोनों के केस में मिथाइल ओवन से चेक करेंगे, देखने में तो दोनों पानी लग रहे हैं, तो हम चेक करेंगे किसमें एसिड है किसमें बेस है। तो मिथाइल ऑरेंज है, देखो किस कलर का है, ऑरेंज कलर का। तो मैं एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, सपोज मैंने ये टेस्ट ट्यूब ले ली, इधर क्या करता हूँ पहले एसिड डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ इसमें एसिड। तो ड्रॉपर के साथ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एसिड, तो ड्रॉपर के साथ मैं इसमें जो है टेस्ट ट्यूब में एसिड भर देता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, देखो इसमें एसिड ले लिया। अब हम चेक करेंगे अगर इसमें मैं मिथाइल ऑरेंज भेजूं तो कलर पे क्या हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये मिथाइल ऑरेंज है, मैं इसमें कुछ ड्रॉप्स मिथाइल ऑरेंज की डाल देता हूं, तो देखो मिथाइल ऑरेंज जैसे ही इसमें गया तो कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। देखो कैसा हो गया कलर, पिंकिश रेड हो गया ना रेड कलर। यही पढ़ा है आपने कि एसिडिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर शो करता है, रेड कलर। जैसे मैंने इसमें मिथाइल ऑरेंज डाला तो कलर कैसा हो गया सॉल्यूशन का, रेड हो गया। तो मिथाइल ऑरेंज ने एकदम से बता दिया कि भैया ये क्या है, एसिड है, ठीक है। तो पता लग गया एसिड के बारे में। चलिए तो एसिड वाले को मैं अलग से रख देता हूँ। अब हम मिथाइल ऑरेंज को चेक करेंगे कि क्या ये हमें बेस के बारे में बता सकता है, कि अगर मैं कोई बेसिक सॉल्यूशन ले लूं तो क्या मुझे पता लग जाएगा कि वो बेस है। तो अब हम फिर से अपने ड्रॉपर के थ्रू इसमें बेसिक सॉल्यूशन डिप करेंगे, इसमें बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे टेस्ट ट्यूब में। तो जब भी हम ड्रॉपर से, पहले मैंने ड्रॉपर से एसिड डाला था ना, तो इसलिए पहले मैं एक बार ड्रॉपर को पानी में भी अच्छे से इसको वॉश करूंगा ताकि एसिड और बेस आपस में कॉन्टेक्ट में ना, ठीक है। तो अब मैं इसी ड्रॉपर से अपना बेस ले लेता हूं थोड़ा सा, अब आप देख सकते हो ये जो मेरी टेस्ट ट्यूब है, आप इसमें क्या है बेसिकली बेसिक सॉल्यूशन है, क्या है इसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन। तो अब हम चेक करेंगे कि इस बेसिक सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा जब इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज रहेगा। ये रहा आपका मिथाइल ऑरेंज, मैं इसको इसमें भेजने लग रहा हूं। तो देखो कैसा हो गया कलर सॉल्यूशन का, येलो। कैसा हो गया, येलो। तो यानी कि बेस के केस में मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाता है, येलो। देखो एक्चुअल में तो इसका कलर ऐसा है, दोनों में डिफरेंस है ना कलर्स में, है ना डिफरेंस। तो देखो तो मिथाइल ऑरेंज बेसिक बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स होते ही कैसा कलर दे देता है, येलो कलर आपके सामने है, देखो है ना। तो आपके सामने दोनों ही सैंपल है, फर्क है दोनों सैंपल्स में कलर्स में, ये देखो है ना फर्क। तो एसिड की प्रेजेंस में कैसा कलर दिया, रेड, और बेस की प्रेजेंस में कैसा कलर दिया मिथाइल ऑरेंज ने, येलो। तो ये कितनों को समझ में आया, तो आपके सामने है देखो डिफरेंस। बोलोगे नहीं ना इसको, तो मिथाइल ऑरेंज को हम ऐसे इंडिकेटर यूज कर रहे हैं और ये अलग अलग कलर हमें शो कर रहा है अलग अलग सॉल्यूशन में, एसिड में और बेस। क्लियर है यहां तक, समझ गए। तो इन टेस्ट ट्यूब्स को रख देते हैं, अब बारी आती है हमारे